नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ रचना सिंह। तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश में रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला और युवाओं से आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में इस एजेंडे पर टिके रहने को कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16.5 करोड़ युवाओं की नौकरी छिन गई है और 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी का आशा छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव ने एक ट्वीट में कहा है कि क्योंकि उन्हें पता है अगर पर्दा उठ गया तो राष्ट्र खुल जाएगा। युवाओं रोजगार एजेंडे पर टिके रहना, हिंदी में एक अन्य ट्वीट में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के शिक्षा बजट में भारी कटौती की है। वहीं आपको बता दें, गांधी ने कहा कि बजट ज्यादा होता तो युवाओं को नए विश्वविद्यालय, इंटरनेट, छात्रवृत्ति और पुस्तकालय और छात्रावास मिल जाते। उन्होंने कहा, युवाओं को यह चुनाव का असली एजेंडा है, इस पर सवाल पूछे और जो आपको गुमराह करे अपने वोट की ताकत से उनको जवाब करारा दें।